शराब की सूचना देने का आरोप लगा, खेत में लगे 400 पेड़ काटे। बिहार प्रभारी मोहम्मद रहमतुल्ला की रिपोर्ट। सदर थाना क्षेत्र के करणपुर गांव में एक व्यक्ति के खेत में लगे करीब 400 महोगनी और आम के पेड़ काट देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित व्यक्ति दयानाथ मिश्रा ने थाने में आवेदन देकर कहा कि उनके खेत में लगी पेड़ इसलिए काट दिया गया क्योंकि उन्होंने यह आशंका हो रही कि देशी शराब बनाने के बारे में पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी। पीड़ित व्यक्ति दयानाथ मिश्र ने कहा कि जबकि इस तरह का कोई भी बात नहीं है, आरोप लगाया है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ बदमाश स्वभाव के लोगों ने आक्रोशित होकर यह घटना को अंजाम दिया है। दरअसल बीते कल सदर पुलिस द्वारा शराब मामले को लेकर सोताड़ी टोला में छापेमारी किया, जहां पुलिस को सफलता भी मिली। पीड़ित व्यक्ति दयानाथ मिश्र ने बताया कि इस मामले में शराब में संलिप्त लोगों को यह शंका हुई कि पुलिस को हमने सूचना दी है, इसी से आक्रोशित होकर आरोपी ने उनके खेत में लगी करीब 400 महोगनी और आम के पेड़ को काट दिया है, जिससे पीड़ित डरे और सहमे हुए हैं और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही वन विभाग को भी आवेदन की प्रति देकर न्याय की गुहार लगाई है। हम थाना में भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। यहाँ आदिवासी टोला जो है कर्णपुर में, आदिवासी टोला हरदी टोला के नाम से प्रसिद्ध है, तो हरदी से आया था भाग के ये लोग। मेरा जैसे यहाँ पुलिस जो छापामारी कर रहा है तो उसके एवज में वो सोचा कि वो लोग हम खेत में घूमने के लिए आते हैं, रोज आते हैं देखने के लिए अपना पेड़ पौधा और उसके बाद बांस को देखने के लिए आते हैं डेली रोज, तो रोज के भांति आते थे। तो परसों छापामारी हो रहा था और उसी टाइम में हम खेत में घूमने आए तो आदिवासी टोला के आदमी को हुआ कि जो यही छापामारी करवाते हैं, तो मेरा आके 300-400 पेड़ को काट के बर्बाद कर दिया और इससे पहले भी 200 महोगनी को उखाड़ के फेंक दिया था, इससे पहले भी उखाड़ के बेच भी लेता है यहाँ पर। तो और हम उसको जब उसको मना किए, काट रहा था दूसरा दिन मना किए तो वो लोग मारने के लिए दौड़ा और तीर फटा लेके जानलेवा हमला किया हमला पर। उसके बाद भाग के हम गाँव पर गए और अप्लीकेशन लिख के और थाना प्रभारी को दिए और SP साहब को भी दे रहे हैं और वन विभाग को भी इसका सूचना दे रहे हैं, थाना प्रभारी को दे चुके हैं, उसका फोटोकॉपी गाछ पेड़ का फोटोकॉपी लगा के थाना प्रभारी को दे चुके हैं। और ये बराबर जो है इसे हम लोगों को बराबर यहाँ पर आके उपद्रव करता है और दारू का अवैध कारोबार करता है, कर्णपुर चौक से यहाँ वो जो शक्कर उठाता है किराना दुकान से। अच्छा, लगभग कितने का नुकसान होगा इस पेड़ का जो आपका कटाई किया है? अभी इसमें 1,00,000 रुपया खर्चा कर चुके थे, इसमें आला कटा के पेड़ लगाने में 1,00,000 रुपया खर्चा कर चुके थे। अगर तैयार होता तो ये करोड़ों रुपया का हो जाता। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए इसी आदमी के प्रति, और नहीं तो ये ग्रामीण को इसी तरह से परेशान करते रहेंगे।